हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। ये वीडियो अधिकतर उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जिनको यूरिन में पेशाब में एल्बुमिनम जाने लगता है। शरीर में जो रक्त बनता है वो हमारे खान पान, हमारे आहार के द्वारा, भोजन के द्वारा हम उसको प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में रक्त कोशिकाएं हमारे आहार के द्वारा बनती है। वो हमारे जो हम भोजन करते हैं, जिस भी प्रकार का भोजन लेते हैं, उसमें कुछ दूषित तत्व भी शामिल होते हैं। उन दूषित तत्वों को अलग करने का काम हमारी मूत्र ग्रंथियां यानी हमारी किडनी का काम होता है। हमारे यूरिन से, हमारे रक्त से उस दूषित तत्वों को बाहर निकालना। किसी कारण यदि हमारी किडनी में सूजन आ जाए, किडनी काम करना बंद कर दे, तो उस बीमारी को मेडिकल लाइन में नेफाइटिस कहते हैं। इस रोग के कारण रोगी के पेशाब में, रोगी को पेशाब ज़्यादा उत्पन्न होने लगता है और पेशाब ज़्यादा उत्पन्न होने के कारण ये बीमारी शरीर में बढ़ने लगती है। रोगी को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। बार बार यूरिन जाने के साथ शरीर में हर समय बुखार जैसा बना रहता है, प्यास अधिक मात्रा में लगती है और बहुत ही जल्दी जल्दी उसको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, पेशाब अधिक मात्रा में आने लगता है। पेशाब में अधिक मात्रा में जब एल्ब्यूमिनम जाने लगता है तो हमारे शरीर में खून की कमी व हमारे शरीर में सूजन होने लगती है। इस टाइप की हमारे शरीर में शिकायतें बननी शुरू हो जाती है। यदि यूरिन को जब हम लैब में टेस्ट कराते हैं तो लैब में यूरिन को बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है, तो उसकी एक सफ़ेद परत जैसी, जिस कंटेनर में उसको उबाला जाता है उसमें एक सफ़ेद परत जैसी उसकी बन जाती है, उसकी सफ़ेदी नज़र आने लगती है एल्ब्यूमिनम। इसकी मात्रा 30% तक हो सकती है। किसी किसी को एल्ब्यूमिनम ज़्यादा होने की वजह से वोमिटिंग होने लगती है, भूख की कमी हो जाती है, सिर दर्द बना रहने लगता है, बुखार बना रहता है। एक और विशेषता है कि इसके पेशेंट को कमर में दर्द बहुत कम होता है, इतनी वीकनेस होने के बावजूद। यदि शुरू में इसका सही समय पर उपचार कर दिया जाए तो मरीज को जल्दी आराम होने की संभावना बन जाती है, नहीं तो इस पेशेंट की स्थिति इतनी बिगड़नी शुरू हो जाती है कि जैसे जैसे रोग बढ़ जाता है उसकी मुश्किलें भी बढ़नी शुरू हो जाती है। मुश्किल में पड़ जाता है पेशेंट, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, चेहरे और पूरी बॉडी के ऊपर सूजन बनने लगती है, स्किन जो होती है, त्वचा इस मरीज की बिल्कुल पीली हो जाती है, जैसे खून निचोड़ दिया गया हो, इस तरह की दिक्कतें पेशेंट को होने लगती है जिनको यूरिन में एल्ब्यूमिनम की मात्रा बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, इसके पेशेंट को पथ्य अपथ्य
यानी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें सबसे बेस्ट तो है यदि पेशेंट को आप जो हम दवाइयां बताएंगे उन दवाइयों के साथ सिर्फ कुछ दिन के लिए दूध के ऊपर रखा जाए तो पेशेंट दूध यानी मिल्क के ऊपर रखा जाए तो पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवर किया जा सकता है। क्योंकि भोजन में एक तो इसको बासी भोजन बिल्कुल नहीं देना होता, ठंडा भोजन नहीं देना होता, नमक की मात्रा बहुत कम की जाती है ऐसे पेशेंट को, और मिर्च मसाले तली हुई चीज़ें ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। यदि उसको दूध दूध पर रखा जाए और जो मैं आपको दवाइयां बताऊंगा, ये दवाई एल्ब्यूमिनम के पेशेंट को आप सावधानी से तरीके से देंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर पेशेंट को 100% आराम हो जाता है। ये मैं श्योर इसलिए कह रहा हूँ 100% कि यदि आपने फरेज करके नियम से सही ढंग से दवाई ली तो एल्ब्यूमिनम के पेशेंट को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। उसकी किडनी दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, अपना वर्क करने लगती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देती है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ मेडिसिन हैं। सबसे पहली मेडिसिन इसमें एपिस मेलिफोलियम है। एपिस मेलिफोलियम के पेशेंट के आँखों के नीचे, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, आँखों के नीचे हमारे ऐसे हो जाती है सूजन, जैसे आँख के नीचे एक थैली जैसी बन जाती है और उसमें लगता है कि इसमें पानी भरा हुआ है। तो एपिस मेल बहुत ही आवश्यक मेडिसिन है, पहली डोज से ही आराम करना शुरू कर दे। दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स, इसमें एकोनाइट। एकोनाइट ने एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी अचानक से हमारी बॉडी को अपने कवरेज में ले लेती है, हमारे शरीर को बीमारी घेर लेती है। यदि आप तुरंत कोई दिक्कत होती है आपको, चाहे वो फीवर हो या कोई भी अन्य बीमारी हो, धूप में लू में या कोई भी किसी भी तरह से कोई भी बीमारी एकदम से अचानक यदि प्रकट होती है, एकदम से आदमी डर जाता है, उसके लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है एकोनाइट ने। मैं एक एक मेडिसिन का आपको इसलिए सिम्टम्स बताता हूँ ताकि आपको यदि अन्य कोई भी दिक्कत हो तो वो मेडिसिन आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एपिस मेल के बारे में बताया कि आँखों के नीचे यदि सूजन बनती है, ज़रूरी नहीं है आपको एल्ब्यूमिनम की शिकायत हो, कुछ और भी शिकायत हो सकती है। तो एपिस मेल का खास, सबसे खास लक्षण है कि उसके आँखों के नीचे थैली नुमा सूजन बन जाए। एकोनाइट का मैंने बताया है कि भय बहुत होता है, अचानक कोई भी बीमारी यदि शरीर में आके अपना प्रभाव दिखाने लगती है तो आप एकोनाइट दें तो तुरंत के तुरंत, जैसे ही बीमारी आई और तुरंत आपने एकोनाइट दी, तुरंत ही उस बीमारी को वो कवर कर जाती है। फ्रेंड्स, तीसरी मेडिसिन है इसमें कैंथेरिस। कैंथेरिस मेडिसिन हमारी किडनी के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसके पेशेंट को बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि यूरिन में इसको बहुत ज़्यादा जलन होती है। कई बार इसको यूरिन में यानी पेशाब में मूत्र के द्वारा इसको ब्लड तक आने लगता है, तो उसके लिए कैंथेरिस बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। जलन, जैसे इसकी ऐसी जलन होती है जैसे आग से जल गया हो, यानी यदि किसी को बहुत ही ज़्यादा बर्निंग हो, यूरिन जाते हुए पेशाब जाते हुए भी डर लगता हो, इतनी तेज जलन उसको होती हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है कैंथेरिस। चौथी मेडिसिन है फ्रेंड्स इसमें कैनाबिस सैटाइवा। कैनाबिस सैटाइवा
और एक मेडिसिन आती है इसमें कैनाबिस इंडिका, इसमें आपको कैनाबिस सैटाइवा लेनी है ना कि कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस सैटाइवा यूरिन में कैसा भी इन्फेक्शन हो, आपकी किडनी में कितनी भी सूजन हो, नेफेटाइटिस की शिकायत हो, नेफाइटिस की सॉरी शिकायत हो, या ब्राइट डिजीज की शिकायत हो, आपकी किडनी में कैसी भी सूजन हो, उसको ये समाप्त करने का कार्य करती है। लास्ट मेडिसिन है इसमें आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन के पेशेंट को बार बार बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की प्यास होती है, लेकिन वो अधिक मात्रा में पानी नहीं पीता इसका पेशेंट, उसका जरा जरा सी देर में मुंह सूखता रहता है और मुंह को गीला करने के लिए वो पानी पीता है। इसके पेशेंट की ये विशेषता है, इसके आर्सेनिक के शायद आपको कभी भी किसी भी डॉक्टर ने वीडियो हम जो डालते हैं फ्रेंड्स, वो इसलिए ही बेहतरीन से बेहतरीन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि एक मेडिसिन आपको यदि सिम्टम्स आपने उसके अच्छी तरह से रीड कर लिए तो बहुत जगह कार्य करती है हमारी बॉडी के अंदर। अब आर्सेनिक एल्ब के जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, इसमें तो वो काम कर ही करेगी। इसके पेशेंट के खास सिम्टम्स क्या है, यदि वे पेशेंट के किसी भी बीमारी में सिम्टम्स हो तो आप निसंकोच होके, निश्चित होके आर्सेनिक एल्ब दे सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है होम्योपैथी की, ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाली मेडिसिन है, बॉडी में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए उसको दूर करने का कार्य करती है। अब आप इसके विशेष लक्षण नोट कीजिए, एक तो इसके पेशेंट का मुंह सूखता है, मुंह हम हर समय सूखा रहता है और इसको पानी पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, नोट करना आप इसके विशेष सिम्टम्स को, कि इसके पेशेंट का मुंह सूखता है, पानी पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ पानी मुंह को लगाता है, एक घूंट भरेगा और रख देगा, क्योंकि इसका जो मुंह सूखा होता है सिर्फ उसको गीला करने के लिए, ताकि इसके होंठ जो आपस में चिपके ना, सूखे होंठ सूखे मुंह को सिर्फ गीला करने के लिए ये आर्सेनिक एल्ब मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है, मुंह सूखने के बावजूद प्यास नहीं होती। दूसरा इसका खास सिम्टम्स ये है कि इसके पेशेंट को हर चीज़ इसके पेशेंट को गर्म अच्छी लगती है, जैसे गर्म पानी पीना, गरम चाय पीना, गरम दूध पीना, गरम खाना खाना, इसको बहुत सुकून पहुंचाता है। इसको गरम पानी में नहाना इसके लिए बहुत अच्छा लगता है इसके पेशेंट को। तो ये इसके खास सिम्टम्स हैं। एक और इसका एक सिम्टम्स है, यदि आपको रात को 12 से लेके 2 बजे के बीच तक कोई भी दिक्कत हो जाए, किसी भी किस्म की शिकायत हो जाए, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो अस्थमा हो, या आपको बार बार यूरिन जाना हो, या हार्ट में आपको सांस लेने में दिक्कत हो, हार्ट में सूजन जैसी महसूस हो, किसी भी किस्म की दिक्कत रात को 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच यदि आपको होती है, तो आप बिना सोचे समझे आर्सेनिक एल्ब लीजिए। ये अपने तुरंत पहली डोज ही आपको आराम पहुंचाने का कार्य करती है, बशर्ते के इसके सिम्टम्स रात को 12 से लेकर 2 बजे के बीच तक बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतने डीपली ना तो आज तक किसी ने आपको मेडिसिन बताई होगी, ना ही कोई आपको बताएगा। आप और वीडियो भी देखें और डॉक्टर्स की वीडियो भी देखें, हम आपको एक एक मेडिसिन के बहुत ही अच्छी तरह से सिम्टम्स बताते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कितना समझ पाते हैं, क्या समझ पाते हैं, आपको वीडियो अच्छी भी लगती है या नहीं लगती है, ये तो आपके ऊपर है। हमारा काम है, जब हमने कोई काम शुरू किया है, हमने वीडियो बनानी शुरू की है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि आपको जो चीज़, या तो हम वीडियो बनाए ही ना, बिल्कुल बंद कर दे,
और यदि बनाते हैं तो कम से कम आपको उस मेडिसिन के बारे में पूरी नॉलेज हो, तो कोई फायदा है हमारा वीडियो डालने का। नहीं तो ऐसे रट्टे मारे और कहीं भी कहीं थंबनेल बढ़िया लगा दिया, कहीं गले में स्टेथोस्कोप डाल के, कहीं कुछ ये ड्रामेबाजी करके बहुत से वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाना ये मकसद नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद ये होना चाहिए कि हमारे जो व्यूज़ हैं, हमारे मित्र मंडली के जो लोग हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वे हमारे वीडियो को देख के उनको लगे कि इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ हमें बताई है, मैं इसको ज़रूर फॉलो करूँगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमें भी तब अच्छा लगेगा और आपको भी वीडियो सुनने में आनंद आएगा जब आप एक एक चीज़ उसकी समझेंगे। अन्यथा वीडियो तो आप, मैं बार बार यही कहता हूँ, वीडियो डालने वालों की कमी नहीं है, वीडियो तो नाचने गाने वाले भी डालते हैं। फ्रेंड्स, मेडिसिन के ऊपर वीडियो डालना ये जन सेवा है और जन सेवा के साथ साथ कभी भी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपको नॉलेज है तो उसको अच्छी तरह से उस नॉलेज को बांटें, उसका सभी को सदुपयोग सभी लोग कर सकें। अन्यथा क्लिनिक पे पेशेंट तो सभी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ये सिर्फ इसलिए है जो हमारे पेशेंट, हमारे मित्र मंडली के लोग, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे सदस्य जो दूर बैठे हैं, दूर दराज से हैं, हमारे पास नहीं आ सकते, या उनको कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो, तो ये जो मेडिसिन मैंने सिम्टम्स के आधार पे आपको बताई है, ये कुछ मेडिसिन एक बॉक्स आप बना लें अपने घर में। जब भी आपको ऐसा लगे कि जो जो हमने सिम्टम्स लक्षण आधार पर आपको मेडिसिन बताई है, यदि कभी भी, क्योंकि एक स्वस्थ आदमी को अचानक से रात को लूज मोशन हो जाते हैं, अचानक से रात को, आधी रात को फीवर हो जाता है, अचानक से रात को, आधी रात को वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, उसके लिए आर्सेनिक एल्बम द बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथी, इससे बेहतरीन मेडिसिन हो ही नहीं सकती। जो सिर्फ इसका एक खास जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, नंबर एक आधी रात के समय, नंबर दो मुंह सूखने के बावजूद प्यास ना होना, नंबर तीन पानी पिएगा भी तो घूंट घूंट पिएगा और गर्म चीज़ इसको पसंद है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जिसको भी यूरिन में एल्ब्यूमिनम जाने की शिकायत हो, ये एक खतरनाक बीमारी है। हमारी किडनी पे यदि कोई भी एक्स्ट्रा लोड आ जाता है या हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है, तो हमारी जान पर बन जाती है, हमारी जान जोखिम में पड़ जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है। पेशेंट जब स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो डायलिसिस तक पे चला जाता है। तो आप इन जो हम वीडियो डालते हैं उसको आप ध्यान से सुने, पूरा वीडियो सुने, देखें और हो सके तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे सदस्य बने, हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो के माध्यम से मेडिसिन बता सकें। फ्रेंड्स, ये हमारा अपना एक उद्देश्य हम लेके चले हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत लेट वीडियो डालने लगे आप, ये हमने वीडियो जो डालनी शुरू की, हमारे जो दूर दराज के पेशेंट हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की वजह से हमने ये वीडियो बनानी शुरू की। कई बार तो हम जल्दबाजी में वीडियो आधा अधूरा रह जाता है, जल्दबाजी में फटाफट मेडिसिन बता देते हैं कि इस बीमारी में आप ये मेडिसिन ले लीजिए। कई बार पेशेंट बाहर चिल्लाने लगते हैं कि डॉक्टर साहब हमें देर हो रही है, ये वो इस टाइप से, तो हमें वो वीडियो जल्दी जल्दी में पूरा करना होता है। तो आपको यदि किसी वीडियो में ऐसे लगे कि लगता है, ऐसे जब हमें खुद लगता है कि हमने जल्दबाजी में वीडियो बनाया, आपको भी लगे कि कोई जल्दबाजी में वीडियो बनाया है और कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, आप कमेंट करके उसकी जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। बिल्कुल हम आपकी एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, एक एक सवाल का जवाब देंगे, बताएंगे, समझाएंगे।
गलत तरीके से कोई कमेंट ना करें, वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल मान्य नहीं होगा। सिर्फ आपको खास जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट करें, ऐसे ही कोई कमेंट ना डालें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, यही हमारी ईश्वर से कामना है, और ईश्वर को मानकर ही हम ये एक जन सेवा के रूप में आप लोगों तक कुछ मेडिसिन्स पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप मेडिसिन लें, अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।